राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महात्म्य वाले महाभागवत को सुनाने की प्रार्थना करना। माता रानी की जय हो। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। सूत उवाच। श्रुत्वा बहु पुराणानि जैमिनी मुनि पुंगवः प्रणम्य दंडव भूमो व्यासम प्रपृच्छ सादरम। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर आपको नमस्कार है। महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुने, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा को सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो कि मेरे मन में चीरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपनी जो भगवती दुर्गा हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, जिनके दोनों चरणबिंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए महेश्वर शिव शव रूप से स्थित हैं, उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, अब आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनिश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया है, उनका जीवन व्यर्थ है। उनका यह वचन सुनकर सरस्वती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा। व्यास जी बोले, महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वस आपने इस समय बड़े ही कल्याण पद बात पूछी है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता है, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहता है जब तक भगवती का चरित्र उनके कान में पड़ नहीं जाता है। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है, उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ते हैं। मुने, उस भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बतला सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का आपने पांच मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षुजनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष पद प्रदान करते हैं। ब्रह्मऋषि जैमिनी मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी हैं। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उन भगवती का वहां के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। शशक, खरगोश, मशक, मच्छर आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा।
एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरी श्रेष्ठ मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ, आप देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। वह चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद को प्राप्त होते हैं, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपामूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं, उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद जी के वचन को सुनकर उन पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे कहा। श्री महादेव जी बोले, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है, बस ऐसी बात भला आपको बताने के योग्य क्यों नहीं है? मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव शिव के द्वारा कहने पर देवर्षि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवाधिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने की कृपणता कर रहे हैं, अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात, उन देवता से आपका क्या प्रयोजन है? आप सबके देवता तो हम है ही, आप ही हमारी ही आराधना करके आप परम पद को प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपको क्या प्रयोजन है? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण के वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़ करके स्तुति वचनों से शिव तथा भगवान विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देवदेव प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध विश्वेश्वर देवदेव, प्रसिद्ध नारायण वासुदेव, प्रसिद्ध सर्व भरोणो ज्वालांग, प्रसिद्ध माँ कौस्तुभ भूषितांग, प्रसिद्ध गंगाधर माँ शरण्य, प्रसिद्ध चक्रायुध माँ वरण्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वर माँ दिगंबर, प्रसिद्ध विश्वेश्वर माँ गदाधर, नमस्त्रि पूर्णाशाय कंसासुर विघातिने, अंधकासुर नाशाय तृणावर्त विनाशिने, नमस्ते पंचवक्त्राय विष्णवे ते नमो नमः, गरुड़ संस्थाय विषारूढ़ाय ते नमः। व्यास जी बोले, परम पूज्य देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, देव, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उनके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है
उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगेश्वर मुनिवर, नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मलमति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती दुर्गा के चरण कमल का हृदय में ध्यान रख करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदर पूर्वक कहना आरंभ किया। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री व्यास जैमिनी संवादे व्रत उपासना वर्णन नाम द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो, दृश्य मुनियों की जय हो, अदृश्य मुनियों की जय हो, जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। बड़े मन से, बड़े भाव से इस कथा को सुनिए, जिससे कि इस कथा को सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।